क्रिकेट और बॉलीवुड हमेशा साथ साथ चलते हैं, लेकिन अभी तक क्रिकेट को बेहतरीन तरीके से पर्दे पर नहीं उतार पाया। लेकिन अब ये काम करने वाले हैं कबीर खान इंडियन क्रिकेट के सबसे बड़े कप के साथ। जी हाँ, खबरों की माने तो कबीर खान 1983 में हुए वर्ल्ड कप पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। और जब बात कबीर खान की हो, जिन्होंने बॉलीवुड को बड़ी ही बेहतरीन फिल्में दी हैं, तो उम्मीदें भरना लाजमी है। इस फिल्म को प्रोड्यूस करेगी फैंटम फिल्म्स। फैंटम फिल्म ने भले ही उड़ता पंजाब और क्वीन से पैसे कमाए हों, लेकिन बॉम्बे वेलवेट, शानदार और रमन राघव जैसी फिल्मों से इस प्रोडक्शन हाउस ने अपने पैसे गंवाए भी हैं। ऐसे में ये फिल्म भी फैंटम के लिए बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन 1983 वर्ल्ड कप भारतीय क्रिकेट का सबसे शानदार और ऐतिहासिक पल है। ऐसे में इसे पर्दे पर देखने के लिए 100 करोड़ लोग ज्यादा एक्साइटेड होंगे, इसलिए फैंटम फिल्म्स के लिए ये रिस्क उठाने को तैयार हुए हैं कबीर खान। और अब बात आती है कास्टिंग की। कबीर खान के लकी चार्म है सलमान खान, लेकिन फैंटम फिल्म्स और सलमान खान की इक्वेशंस कुछ खास नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि कबीर खान के इस प्रोजेक्ट में सलमान खान इन होते हैं के आउट, लेकिन उसके लिए आपको इस प्रोजेक्ट के शुरू होने का इंतजार करना होगा। फिलहाल बॉलीवुड न्यूज में इतना ही। आप देखते रहिए ये चैनल।